डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है रोल ऑफ कन्वेंशन इन यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीए के सेमेस्टर्स में अक्सर पूछा जाता है, और आप हर सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें तो ये इसके क्वेश्चन वहाँ पर रहते ज़रूर हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे और फिर कुछ डेफिनेशंस लेंगे जो कन्वेंशंस की हैं। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि इसका रोल क्या रहा है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में या ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में फॉलो किए जाते हैं। इन चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे और फाइनली हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो मेनली फोकस रहेगा कन्वेंशन पर, जो यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किए जाते हैं। तो गाइस, लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि ये कन्वेंशन होते क्या हैं, क्या चीज़ हैं, तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि इनका रोल क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। पहले आप कन्वेंशन को समझेंगे तभी इनका सिग्निफिकेंस तभी बता पाएंगे ना आप। तो इंट्रोडक्शन में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि जैसे कि कन्वेंशंस क्या हैं, दे आर कस्टम्स विच आर नॉट लीगली बाइंडिंग बट यूजुअली फॉलोड। सो कन्वेंशन आर नॉट मेड, रादर दे आर जस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। सो कन्वेंशंस कोई ऐसा बनाया नहीं जाता, ये दे जस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। कैसे आ जाता है, कहाँ से आता है, कब आया ये, तो ये सेम उसी तरीके का ये कॉन्सेप्ट है। ये दो चित्र मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, दो फिगर से आप समझिए ये क्या है। अगर आपने गांव देखे हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरीके की पगडंडियाँ होती हैं गांव में। आप हिल स्टेशन, हिल एरियाज में देख लीजिए, जंगलों में देख लीजिए, गांव में देख लीजिए, इस तरीके की पगडंडी होती है। तो ये कैसे बनी, क्या कोई बता सकता है कि इस पगडंडी को कभी पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर सिचुएशन में बनाया गया था? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अगर अपने अपने यहाँ पर जो दादा दादी नाना नानी से अगर बात करें, अगर आप कभी गांव जाएं, गांव के लोगों से बात करें और आप उनसे पूछें कि ये पगडंडी कब बनी थी, क्या वो बता पाएंगे? नहीं। तो इसी तरीके से कन्वेंशंस होते हैं जिन्हें आप एक ये नहीं बता सकते कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे इन्हें बनाया गया है, दे जस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द सेम मैनर जैसे कि ये पगडंडियाँ केम इनटू एग्जिस्टेंस। कोई पहला, जब फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और यहाँ से ये पॉइंट बी तक जाने की ज़रूरत पड़ी होगी, तो कोई फर्स्ट पर्सन है ना जो गया होगा इस पाथ पर, और धीरे धीरे दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, तो ये क्या है, एक रास्ता बन गया, पगडंडी बन गई, जिसकी आप देखेंगे कि घास साफ़ हो जाती है और एक वो आपका मिट्टी वाला एरिया आ जाता है और एक रास्ता बन जाता है। तो ये धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आ गया क्योंकि इस पगडंडी ने सोल्यूशन, इस रास्ते ने सोल्यूशन प्रोवाइड किया था किस प्रॉब्लम के लिए, कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचना था, प्रॉब्लम ये थी। अब कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए कुछ लोग इस जंगल के रास्ते से होकर गए और धीरे धीरे सारे लोग इसी रास्ते को फॉलो करने लग गए और ये पगडंडी बन गई, क्योंकि ये वेरीफाइड थी, कन्वीनियंट थी और वेल नोन थी कि हाँ, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हम पॉइंट बी तक पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे कन्वेंशंस जो होते हैं ये बनाए नहीं जाते, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। और ये एग्जिस्टेंस में कब आते हैं, जब कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ होगा, कोई ऐसी सरकमस्टेंसेस आई होगी कि इस तरीके के सोल्यूशन की नीड पड़ी होगी, तो इनको प्रैक्टिस किया हो गया होगा। फिर फर्दर जनरेशन आती है तो फर्दर गवर्नमेंट्स आती रही होंगी, तो उन्होंने भी इसको एज अ सोल्यूशन लिया होगा कि हाँ, इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आएगी तो हम ये सोल्यूशन निकालेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे या स्टेप लेंगे, और इस तरीके से ये वेरीफाइड टेस्टेड सोल्यूशन बन जाता है। तो जो कन्वेंशंस हैं दे आर नॉट मेड, रैदर दे आर जस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कुछ इसी तरीके जैसे ये पगडंडी आ जाती है और फ्यूचर में लोग इन्हीं रास्तों का यूज़ करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचते हैं। तो अभी आपको कन्वेंशंस की मीनिंग समझ आ गई, होप सो कि अब आपको कन्वेंशन की मीनिंग नहीं भूलेगी। फर्दर आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं कि जो कन्वेंशंस हैं दे प्ले मेजर रोल इन द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ कन्वेंशन की इन यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन।
इंट्रोडक्शन में भी हम वही लिखेंगे. सो जो कन्वेंशन हैं दे प्ले मेजर रोल एंड दे कीप चेंजिंग एंड डेवलपिंग विद द टाइम. जैसे जैसे सिचुएशन एंड टाइम की नीड होती है वैसे वैसे ही चेंज होते रहते हैं. इस तरीके से आप देखेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि ज़्यादातर आप देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन इन कैरेक्टर है. देर इज़ अ नो सिंगल डॉक्यूमेंट्स जिसे आप कह सकें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है. ज़्यादातर कंट्रीज में इन जनरल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, इज़राइल हो गया, यहाँ पर आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को नहीं मिलेगा. तो जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो यहाँ पर जो कन्वेंशंस होते हैं उनके रोल और बढ़ जाते हैं. देर इज़ अ ह्यूज रोल ऑफ कन्वेंशन इन सच काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर देर इज़ अ नो रिटन डॉक्यूमेंट्स या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ब्रिटेन में भी कुछ ऐसा ही है कि वहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट ना होना इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कन्वेंशंस मेजर रोल प्ले करते हैं. तो इस तरीके से हो गया ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन. तो मीनिंग इन जनरल हमने मीनिंग तो समझ ली कि कन्वेंशन क्या होते हैं. कुछ डेफिनेशंस ले लेते हैं कन्वेंशन की तो और बेटर क्लैरिटी आएगी कि व्हाट आर कन्वेंशंस, किसे कन्वेंशन कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू J.S. मिल द कन्वेंशंस आर नॉमिनेटेड एज अ रिटन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये एंड यू कैन सी अकॉर्डिंग टू सर आइवर जेनिंग्स कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस प्रोवाइड फ्लेश विच क्लोथ्स द ड्राई वंस ऑफ लॉ. और एंसन है ये कहते हैं कि कन्वेंशंस आर कस्टम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. डाइसी के अकॉर्डिंग कन्वेंशंस आर कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, मैक्सिम्स, precepts which are not enforced or recognized by any court. So Dicey ki definition se we can better get understanding about the convention. To conventions kya hai? Customs hai. Jaise rituals hai, for example, political tradition mein. Jaise hum religion ka ek example lete hai. तो रिलीजन में हमारे कुछ कस्टम्स होते हैं ना, कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन, तो मैरिज जब होती है तो कुछ पर्टिकुलर कस्टम्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं. मैरिज तो हर आप में से हर कोई किसी ना किसी शादी को अटेंड किया होगा ना, तो आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर कस्टम्स होते हैं. हर शादी में आप जाएंगे उसी तरीके के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेंगी हिंदू समाज में. इसी तरीके से मुस्लिम समाज में, क्रिश्चियन समाज में आप देखेंगे, वहाँ पर भी आपको सेम कस्टम्स देखने को मिलेंगे. तो डाइसी कहते हैं कि जो ये कन्वेंशंस हैं ये ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशन में कुछ कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, या इन्हें आप मैक्सिम्स कह सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनको किसी कोर्ट या किसी पार्लियामेंट से फोर्स नहीं किया गया. दे आर अडॉप्टेड, सोसाइटल एडॉप्शन है, मतलब सोसाइटी के द्वारा एडॉप्ट किए गए हैं और धीरे धीरे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस बन गए हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के भी कन्वेंशंस बन गए हैं. तो ये था बेसिक मीनिंग, ये डेफिनेशंस को आप इंक्लूड कर लेना. अब इनका एक्सप्लेनेशन और फर्दर हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन. क्या हो सकता है कि कन्वेंशंस आर जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस. जैसे कि मैंने मैरिज का एक एग्जांपल, शादी का एग्जांपल बताया कि आप हिंदू रिलीजन की शादी, हिंदू मैरिज में आप जाओगे तो कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस, आप कस्टम्स देखोगे, रिचुअल्स देखोगे जो हर हिंदू मैरिज में आपको देखने को मिलेगी. इसी तरीके से मुस्लिम सोसाइटी की मैरिज में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक डिफरेंट तरीके के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस देखने को आपको मिलेंगे. तो कन्वेंशंस क्या हो गए, जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हो गए, एंड रूल्स विच इज नॉट मेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी, नॉट इन्फोर्स्ड बाय लेजिस्लेटिव, नीदर इंटरप्रिटेटेड बाय द जुडिशरी, दे आर जस्ट फॉलोड बाय द बल्क ऑफ पीपल. जैसे फॉर एग्जांपल शिवरात्रि, आप कोई पूजा करते हैं तो एक हर पूजा का एक अपने तरीके का कस्टम, अपने तरीके का रिचुअल्स होता है, कुछ रूल्स होते हैं कि ये वाली पूजा ऐसे की जाएगी. तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये कुछ बल्क जो कन्वेंशंस हैं दे आर जनरली एक्सेप्टेड, दे आर जनरली प्रैक्टिस. ये कुछ बल्क ऑफ द पीपल हैं जिनको शुरू किया था, ये कोई लेजिस्लेटिव बॉडी ने नहीं बनाया, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी ने इन्फोर्स नहीं किया, इनको एग्जीक्यूट नहीं किया, ना ही जुडिशरी ने इन्हें जजमेंट के रूप में दिया है. उसी तरीके से जैसे कि
इस पगडंडी का कंस्ट्रक्शन किसी पर्टिकुलर एजेंसी ने या किसी पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया, इसको कुछ बल्क ऑफ पीपल ने फॉलो करना शुरू किया था, और जेनरेशन टू जेनरेशन लोग इसी इसी रोड पर चल रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो कन्वेंशंस हैं आपके, ये क्या हैं, ये जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं जो बल्क ऑफ द पीपल ने फॉलो किया था और जेनरेशन टू जेनरेशन चली आ रही हैं। तो कन्वेंशंस आर दोज अनरिटन रूल्स ऑफ पॉलिटिकल कंडक्ट विच हैव गॉट द अप्रूवल ऑफ पीपल एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के केस में। सो ये क्या है, दीज कन्वेंशंस आर बेसिकली अनरिटन रूल्स हैं जिनको अप्रूव किसने किया था, कुछ लोगों ने, कम्युनिटी के लोगों ने किया था, सिटीजन्स ने किया, एंड दे बिकम दी पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस जिन्हें आज भी फॉलो किया जाता है। सो बेसिकली यू कैन से दैट, एंड वाई पीपल ओबे सच कन्वेंशंस, बिकॉज ऑफ देयर यूटिलिटी। वाई पीपल फॉलो दिस रूट, वाई पीपल फॉलो दिस पगडंडी, बिकॉज इट हैज़ इट्स यूटिलिटी। और क्या यूटिलिटी है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचने में हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज पीपल्स हैव टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो दिस पगडंडी हैज़ द यूटिलिटी टू प्रोवाइड दिस सोल्यूशन ना, कि वो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचेंगे। सो इन द सेम मैनर यू विल गेट दैट कि जो ये कन्वेंशंस है, दे हैव देयर यूटिलिटी। वॉट काइंड ऑफ यूटिलिटी, दे प्रोवाइड सोल्यूशंस टू द पर्टिकुलर सिचुएशन, ये पर्टिकुलर क्राइसिस, एंड दे आर ओबेड लाइक लॉज। जैसे आप लॉ को ओबे करते हैं, इन द सेम मैनर यू ओबे द कन्वेंशंस। दे आर गिवेन मोर रिस्पेक्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड इन द कन्वेंशंस। सो देर इज अ मेजर रोल ऑफ द कन्वेंशंस इन द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन या यूनाइटेड किंगडम पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया। अभी आपको इसकी मीनिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कन्वेंशंस हैं क्या, और डायसी और आइवर जेनिंग्स के जो मीन डेफिनेशंस हैं, इनको इंक्लूड करके आप उसे बेटर बना सकते हैं। तो अब एक इसको ना थोड़े कॉन अब जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, इसको ब्रेक करते हैं कुछ सब उसमें, सब टाइटल्स में, सब टॉपिक्स में, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और क्लैरिटी है। जनरली क्या होता है, जब हम जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज जब होते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको टुकड़ों में ब्रेक करना चाहिए, पार्ट्स में ब्रेक कर देना चाहिए, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी आए। तो उसी के लिए मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव ये लिया है कि कन्वेंशंस को मैंने ब्रेक किया है कई पार्ट में, जिससे कि आपको की जो क्लैरिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, और डीप हो जाए। तो पहला है कि ये कन्वेंशंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप पूछिए कन्वेंशंस क्या है, हमने तो समझ लिया कि ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं इन जनरल। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी तरीके से जैसे कि उस पगडंडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो कन्वेंशंस आर लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम और प्लेस नहीं है कि ये बने थे, ये क्या है, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं जो लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। ओबेडियंस, इनको ओबे क्यों किया जाता है, हम क्यों कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। कन्वेंशंस इज ऑप्शनल एक्सेप्ट द फियर ऑफ मोरल और सोशल एलिनेशन। जनरली क्या होता है कि जो मोरल एंड सोशल एलिनेशन की फियर से भी लोग इन्हें कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अगर जो जो कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ की पॉपुलेशन है ब्रिटेन की, वो क्या रहे, वो अगेंस्ट होगी ना आपके, क्योंकि आप ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, कन्वेंशन को नहीं फॉलो कर रहे हो। इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन क्या था, इंडियन सोसाइटी की बात की जाए, अगर इन जनरल, मैं पर्टिकुलर बात नहीं कर रही, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, कि हमारे यहाँ इंटर कास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं थी, इंटर रिलीजन मैरिजेस अलाउड नहीं थी। तो आप देखेंगे कि ये एक नॉर्मल इन जनरल ट्रेंड है, कन्वेंशन है या प्रैक्टिस है, कि हम अपनी ही कास्ट में, अपनी रिलीजन में शादी करेंगे। बट इन केस कोई इंटर रिलीजन मैरिज कर लेता है, तो आप देखते हो ना कि उसका सोशल बाइकॉट होता है,
सोसाइटी उसे एलिनेटेड कर देती है, उसे बाइकॉट करती है, उसका सोशल क्रिटिसिज्म होता है, सोसाइटी में लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, सिंपल होता है ना ये इन जनरल। तो आप देखोगे कि इसी तरीके से अगर आप कन्वेंशंस या सोशल प्रैक्टिसेस में अगेंस्ट में जाएंगे, आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, तो इस क्यों क्या होगा, सोशल बाइकॉट होगा। तो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ मोरल एंड सोशल एलिनेशंस, इन कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। तो गॉट इट कि इसको ओबे क्यों करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म, इनका फॉर्म कैसा है? तो बेसिकली कन्वेंशंस ऑन द प्रैक्टिसेस व्हिच इज ऑब्जर्व्ड बाय द पीपल इन अ सोसाइटी एंड इट इज इन अनरिटन फॉर्म। इनका फॉर्म कैसा है, किस कैसे आप कह सकते हो कि ये कन्वेंशन है? तो आप ये देखने के लिए कि क्योंकि ये वो प्रैक्टिसेस विच इज ऑब्जर्व बाय द पीपल इन अ सोसाइटी, तो उन कह सकते हो कि हाँ ये कन्वेंशन है एंड इट इज अनरिटन फॉर्म। नेक्स्ट इन्फोर्समेंट, तो इनको इनको इन कन्वेंशंस को इन्फोर्स कौन करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है? भाई लॉ तो आपको पता है ना कि लॉ के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जुडिशियल मशीनरी है जो इन्फोर्स करेगी, एग्जीक्यूट करेगी लॉ को। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस है। अगर आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटेगी। व्हाट अबाउट दीज कन्वेंशंस, इनको कौन इन्फोर्स करता है? तो इनको बेसिकली कन्वेंशंस आर इन्फोर्स्ड बाय द सोसाइटल प्रेशर। तो सोसाइटल प्रेशर होता है उसी तरीके से ना कि ओबे क्यों करते हो, मोरल एंड सोशल एलिनेशन के फियर से करते हो, सोसाइटी के प्रेशर से करते हो ना। तो ये चीजें होती है, इसलिए इनका इन्फोर्समेंट होता है, ना कि कोई पर्टिकुलर एजेंसी है। नेक्स्ट सैंक्शन, तो सैंक्शन बिहाइंड द कन्वेंशन इज द पब्लिक ओपिनियन। सो जब जैसे किसी लॉ को सैंक्शन किया जाता है ना, तो उसके पीछे क्या होते हैं, कोई अथॉरिटी होती है, कोई मशीनरी होती है ना। तो इसी तरीके से कन्वेंशंस के पीछे क्या सैंक्शन फोर्स है, पब्लिक ओपिनियन। बिकॉज बल्क ऑफ द पीपल या मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन इज फॉलोइंग दिस ट्रेडिशन एंड एक्सेप्टिंग दीज प्रैक्टिसेस, सो ये पब्लिक ओपिनियन है कि इन्हें फॉलो करना चाहिए। सो दिस इज द सैंक्शन फोर्स बिहाइंड द कन्वेंशन। होप सो यू गॉट दिस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशंस की ये क्या है, क्यों लागू होता है, क्यों ओबे किया जाता है, कैसे इन्फोर्स किया जाता है। और जब भी कन्फ्यूजन हो, आप इस पगडंडी वाले एग्जाम्पल को याद रखिएगा। तो अब फर्दर चलते हैं, इसको कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ही कॉन्टेक्स्ट में हम एग्जाम्पल्स लेंगे, जिससे कि आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है डज नॉट वोट अगेंस्ट मनी बिल्स। ये कन्वेंशन है, बिकॉज दिस इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कि मनी बिल क्या है, इम्पॉर्टेंट मैटर है, इम्पॉर्टेंट बिल है। सो हाउस ऑफ लॉर्ड जनरली क्या होता है, वोट नहीं करते अगेंस्ट द मनी बिल। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है डज नॉट वोट अगेंस्ट एनीथिंग इन गवर्नमेंट मैनिफेस्टो, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप देखेंगे दो हाउसेस हैं, बाइकैमरल इन नेचर है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड का आप देखेंगे कि क्या है, आपके हाउस ऑफ लॉर्ड ये के पास कम पावर होती है, दिस इज द अपर हाउस। ये उसी तरीके से अगर हम इंडिया में बात करें तो राज्यसभा के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो राज्यसभा को पावर दी गई है वो कितनी कम है एज कंपेयर टू लोकसभा। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो बाइकैमरल व्यवस्था है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द ब्रिटेन, जिसमें से टू हाउसेज हैं, तो उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड को इक्विवेलेंट रखा गया है, आप कंपेयर कर सकते हो राज्यसभा के साथ में। तो राज्यसभा के पास जैसे कम पावर होती, मनी बिल को क्या 14 डेज के लिए ही तो डिले कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डिले कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप हाउस ऑफ लॉर्ड के पास भी मनी बिल हो या दूसरे जो गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो हो, इसको लेकर कम पावर रहती है। तो इस मेन पावर आपका कहाँ चला जाएगा, जो इसका लोअर हाउस है। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल्स जिनके थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की कि जो यूके की पार्लियामेंट है या यूके का पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, वहाँ पर किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से आप जो वहाँ पे कन्वेंशंस हैं, कितनी ह्यूज रोल है उनकी।
नेक्स्ट चलते हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कन्वेंशन के बारे में। आगे देखा जाए कि इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन, रोल को समझने, कन्वेंशन का क्या रोल है यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके के कन्वेंशंस प्रचलित हैं, किस तरीके के कन्वेंशंस प्रैक्टिस किए जाते हैं, जिससे कि हम इनके रोल का जो इनका रोल है, जो इनका सिग्निफिकेंस है, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो पहला है कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा आपका, वो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन होगा। जो प्राइम मिनिस्टर होगा, ये कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। सी, अब इंडिया में जैसे आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ से होगा, किस हाउस से होगा, कौन होगा, ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर वेरियस आर्टिकल्स में मेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स की पावर क्या होंगी, प्राइम मिनिस्टर को कैसे रिमूव किया जाएगा, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। तो देर इज़ अ कंप्लीट डिटेल प्रोविजन अबाउट द एवरीथिंग। बट ऐसा नहीं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कन्वेंशन नहीं फॉलो किए जाते, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में कन्वेंशंस को फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ को आप लिखित नहीं रख सकते हो, रिटन में नहीं लिख सकते हैं ना। तो हर एक कंट्री में कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। बट अगर हम ब्रिटेन का एग्जांपल लें, यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल लें, तो वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए कन्वेंशंस का वहाँ पर ह्यूज रोल है, मेजर रोल है। तो पहला कन्वेंशन, इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ से होंगे, वो मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन, मतलब लोअर हाउस से बिलोंग करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट कन्वेंशन कि प्राइम मिनिस्टर मस्ट बिलोंग टू हाउस ऑफ कॉमन, दिस इज द कन्वेंशन। और ये कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कन्वेंशन फॉलो किया जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हाउस ऑफ कॉमन से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट, सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करता है कन्वेंशंस को, जिसमें जो कैबिनेट है इज अ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, क्योंकि ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, कि जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू द पार्लियामेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है। इंडिया में क्या है, इंडिया में भी ये प्रोविज़न है, क्योंकि इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इंडिया में भी सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, जहाँ पर कैबिनेट हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के, और पर्टिकुलर लोकसभा के। तो बट इंडिया में ये चीज़ मेंशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, और ये ब्रिटेन में कन्वेंशन है, क्योंकि ब्रिटेन में तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं ऐसा कि कोई रिटन डॉक्यूमेंट हो तो ये प्रोविज़न वहाँ पर लिखा हो, तो ब्रिटेन में ये कन्वेंशन के रूप में फॉलो किया जाता है। और इंडिया में क्या है, यही सेम चीज़ है, लेकिन इंडिया में ये कन्वेंशन ना होकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ओके, गॉट इट। तो सेकंड प्रोविजन क्या हो, सेकंड इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन क्या है, कि कैबिनेट वहां पर सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट रहेगी। सो यूके कन्वेंशन इज सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्ट एंड पॉलिसीज। प्राइम मिनिस्टर कैन रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही और शी रिटेन इट्स कॉन्फिडेंस, and if prime minister does not enjoy the confidence of majority in the of the members of in the house, there will be no veto or no confidence motion, aur usko hatna padega wahan se pe। third important convention hai jo british parliament ka, wo ye hai ki summon of parliament, to parliament must be called once a year, पार्लियामेंट मस्ट बी कॉल्ड वंस अ ईयर, साल में एक बार पार्लियामेंट को ज़रूर बुलाना है, दिस इज़ द कन्वेंशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में क्या है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि एट लीस्ट जो दो सेशन रहेंगे पार्लियामेंट के, उनके बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कन्वेंशन क्या बना दिया गया, कि जो पार्लियामेंट की मीटिंग 3 सेशन में होती है, एक बजट सेशन, एक मानसून सेशन, एक विंटर सेशन, ये चलता है इंडिया में।
तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट मस्ट बी कॉल्ड वंस अ ईयर, दिस इज अ कन्वेंशन, और बाय कन्वेंशन ऐसा फॉलो किया जाता है कि जो पार्लियामेंट होगी एटलीस्ट वंस ईच ईयर मिलेगी, बैठेगी, सेशन में चलेगी. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर मे आस्क किंग फॉर डिसोल्यूशन. मतलब अगर फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि उसकी मेजोरिटी नहीं है तो वो किंग से कहेंगे कि डिसॉल्व कर देंगे हाउस को. इंडिया में भी ऐसा है, इंडिया में, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि ये वहां पर मेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर मे आस्क टू द प्रेसिडेंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस. सो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट है, मे रिजोल्व डिसॉल्व द हाउस. तो इन द सेम मैनर यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन में ये कन्वेंशन है कि द मोनार्क विल ग्रांट डिसोल्यूशन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर मस्ट एडवाइज द मोनार्क ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट. गेटिंग इट? तो दिस इज द मेजर कन्वेंशन. नेक्स्ट है इम्पार्शियलिटी ऑफ अ स्पीकर. दिस इज अ मेजर ह्यूज कन्वेंशन इन द ब्रिटिश ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कि स्पीकर जो होगा वो स्पीकर मस्ट बी न्यूट्रल. आपको पता है कि यूके में एक कन्वेंशन है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर. एक बार जो स्पीकर बन जाता है वो हमेशा स्पीकर रहता है, और उसको फॉर्मल रेजिग्नेशन देना पड़ता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, राइट? तो ये एक मेजर कन्वेंशन है वहां पर जो फॉलो किया जाता है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट कन्वेंशन है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. तो ये कन्वेंशन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा मस्ट बिलोंग टू हाउस ऑफ कॉमन, लोअर हाउस से होगा. जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर भी लोअर हाउस या हाउस ऑफ कॉमन से बिलोंग करेगा. सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट कन्वेंशन ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बिलोंग टू द हाउस ऑफ कॉमन. नेक्स्ट, वीटो पावर की अगर बात करें तो नो वीटो पावर ऑफ क्राउन. सो यू कैन से दैट कि किसी भी बिल को बनने के लिए, एक्ट जो पार्लियामेंट में लाया जाता है, उसको एक्ट बनने के लिए रॉयल असेंट जरूरी होता है. मतलब जो मोनार्क होगा वो अप्रूवल देगा. जैसे इंडिया में भी है, प्रेसिडेंट के असेंट देने के बाद ही कोई बिल एक्ट बनता है. तो इन द सेम मैनर आप यूके में देखेंगे कि जो मोनार्क है उसके असेंट के बाद ही आप देखेंगे कि जो कोई बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट होगा. तो क्या वो वीटो पावर यूज कर सकते हैं? लेकिन यूके में थ्योरेटिकली ऐसा है कि वो होल्ड कर सकते हैं वीटो पावर के थ्रू, बट बाई कन्वेंशन क्या है कि दे विल नॉट यूज, द मोनार्क विल नॉट यूज द वीटो पावर. सो नो वीटो पावर ऑफ क्राउन, ये कन्वेंशन है. थ्योरेटिकली है, हो सकता है, बट बाई कन्वेंशन वहां पर क्या प्रैक्टिस है कि जो मोनार्क है ही और शी विल नॉट यूज हिज और हर वीटो पावर अगेंस्ट एनी बिल और एक्ट. सो नो वीटो पावर ऑफ क्राउन. नेक्स्ट चलते हैं हाई कोर्ट. तो हाई जो ये अभी नहीं है फिलहाल, अगर हाईएस्ट कोर्ट की बात की जाए तो अभी तक सिंस यू कैन से दैट टिल 2005, जहाँ पर ये आपका चेंजेस आए हैं, जहाँ पर 2009 में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2005, तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील हो गई है. इसके पहले कन्वेंशन क्या था कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वॉज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. दिस वॉज द ग्रेट कन्वेंशन ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कि जो हाइएस्ट कोर्ट होगी, जो हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होगी वो क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड होगी. बट ये अभी तक था, बट अभी इसमें चेंजेस हो गए हैं, रिफॉर्म हो गए हैं. अभी सुप्रीम कोर्ट 2019 में स्टैब्लिश की गई है, उसके बाद से चेंजेस आ गए. तो ये ऐसा था, हम ये बता रहे हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड वॉज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बिफोर इस्टेब्लिशिंग द सुप्रीम कोर्ट. सो ये एक ग्रेट कन्वेंशन था यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन. सो हाउस ऑफ कॉमन इज अ डोमिनेंट हाउस ऑफ ओवर द हाउस ऑफ लॉर्ड. दिस टर्म इज ओवर, जस्ट करेक्टेड गाइज. सो हाउस ऑफ कॉमन इज डोमिनेंट ओवर हाउस ऑफ लॉर्ड.
हाउस ऑफ कॉमन हैज गिवन सुपरमेसी ऑफ ओवर हाउस ऑफ लॉर्ड एंड इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कन्वेंशन इन यूके. इन केस ऑफ एनी डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू हाउसेज हाउस ऑफ कॉमन मस्ट बी डोमिनेट या यू कैन से दैट ओवर दी. सो ये अवर जहाँ जहाँ पर भी अवर है गाइज ना, ये ओवर कर लेना है इसको. टाइपिंग एरर है ये क्या है, ओवर ओवर हाउस ऑफ लॉर्ड. तो ये वहाँ का एक मेजर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर कन्वेंशन है. नेक्स्ट है बिल रीडिंग. तो बिल रीडिंग के रिगार्डिंग में क्या कन्वेंशन है कि बिल मस्ट बी रीड 3 times लाउडली. दिस इज अ कन्वेंशन इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो बिल रीडिंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इन यूके अंडर विच बिल व्हेन प्रेजेंटेड इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट मस्ट बी रीड 3 times इन अ लाउड वॉइस. दिस इज अ कन्वेंशन. सो दीज वर दीज 10 मेजर कन्वेंशंस वी हैव डिस्कस्ड हियर. दो देर आर लॉट्स ऑफ माइनर कन्वेंशन माइनर प्रैक्टिसेस बट स्टिल वी कैन नॉट कवर ऑल ऑफ दीज. आई ट्राइड टू कवर मेजर कन्वेंशंस हियर. सो दीज आर द 10 कन्वेंशंस जो मेजर कन्वेंशंस हैं जो आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशन में. सो इसके बाद अब अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि कन्वेंशंस होते क्या हैं और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर कन्वेंशंस क्या हैं, तो अब हम समझते हैं कि इन कन्वेंशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, इन कन्वेंशंस का रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में. अब हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है. सो आप समझते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अनकोडिफाइड इन नेचर. दिस इज अनरिटन इन नेचर. तो जब अनरिटन नेचर है, अनकोडिफाइड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसे में आपके जो कन्वेंशंस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनका मेजर रोल हो जाता है बिकॉज दीज कन्वेंशंस गिव द डायरेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पॉलिटिकल ट्रेडिशंस. सो क्योंकि ऐसे अगर कुछ अगर जो कन्वेंशंस हैं जो प्रैक्टिसेस हैं इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, इतना मोरल और सोशल सैंक्शन नहीं होगा उनके पीछे, तो फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी पॉलिटिकल सिस्टम में. तो पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने के लिए राइट, उसमें कंटिन्यूटी लाने के लिए ऐसे कन्वेंशंस की ज़रूरत होती है जहाँ पर पर्टिकुलरली उन सिस्टम में जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन हो. तो इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है. पहला, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनकोडिफाइड एंड अनरिटन इन नेचर. सो हियर जो कन्वेंशंस हैं दीज प्ले अ मेजर मेजर या इम्पोर्टेंट रोल इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशन. सो यूके डू नॉट हैव कॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट जैसे कि जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन कह सकें. सो इट हैज़ बीन डेवलपिंग फॉर 100 years. जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्रिटिश का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कन्वेंशंस हैं, वो 1000 years से डेवलप हो रहे हैं. एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस अनकोडिफाइड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यू टू दिस रीजन राइट. तो होप सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि इम्पोर्टेंस इसकी क्यों है. दूसरा इम्पॉर्टेंट इसका रोल या सिग्निफिकेंस कह सकते हो कि इट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इसका मतलब क्या है कि इट लेसन्स द रिजिडिटी ऑफ लॉज. सो कन्वेंशंस है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कन्वेंशंस है, ये फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. आप देख रहे हो कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1000 years या इससे भी ज़्यादा, मोर देन 1000 years से इवॉल्व हो रहा है. इवॉल्व हो रहा है इसका मतलब कि जैसे जैसे टाइम्स एंड सर्कमस्टेंसेस आते हैं, इट कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है. अब कन्वेंशंस है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस तो है नहीं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, ये रिजिडिटी को कम करता है. सो कन्वेंशंस इन यूके हैव बीन स्टेबल फॉर सो लॉन्ग एंड हैविंग अ डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी एंड वेल एस्टेब्लिश्ड गवर्नेंस. सो मेन एडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन इन यूके इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी. सो लॉ कैन ऑपरेट बेटर विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशंस बिकॉज जो दीज आर एसेंशियल फॉर कीपिंग द कंडीशन अप टू द डेट विद चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज.
राइट. सो कन्वेंशन हेल्प्स द यूके कॉन्स्टिट्यूशन टू कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम्स, राइट. सो दिस इज द मेजर मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ द कन्वेंशंस इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्या है? पब्लिक ओपिनियन. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द कन्वेंशंस, पब्लिक ओपिनियन. सो इन यूके कन्वेंशंस अपहोल्ड पब्लिक ओपिनियन. ऐसा नहीं है कि कोई, ये कन्वेंशंस क्या है, सोशल प्रैक्टिसेस है ना. बल्क ऑफ द पीपल या मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन फॉलो दिस ट्रेडिशन, दिस प्रैक्टिसेस. तो ये पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, विच शोज द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कि लोगों का पार्टिसिपेशन है, पब्लिक ओपिनियन है इन कन्वेंशंस को लेकर. पब्लिक जो है वो एक्सेप्ट करती है, अलाउ करती है, सैंक्शन करती है इन कन्वेंशंस को. सो इन यूके कन्वेंशन, कन्वेंशंस आर रूल्स ऑफ पॉलिटिकल गेम. पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज अवेयर ऑफ द फैक्ट दे आर प्लेइंग अ गेम विच इज बीइंग विटनेस्ड बाय द पीपल. मतलब अगर कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं तो पॉलिटिशियन नोज दैट कि दे आर विटनेस्ड बाय द पीपल, पीपल उन्हें देख रहे हैं, और पब्लिक ओपिनियन विल नॉट टॉलरेट इट्स वायलेशन ऑफ रूल्स. और अगर वो ये जो कन्वेंशंस हैं इनके अगेंस्ट में कोई एक्ट लेते हैं, ये एक्शन लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन विल नॉट अलाउड, पब्लिक ओपिनियन विल क्रिटिसाइज देम. सो यूके कन्वेंशन अपहोल्ड पब्लिक ओपिनियन. दिस इज द मेजर सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश पीपल. सो ब्रिटिश पीपल्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर. सो कन्वेंशन शोज द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश पीपल्स, एंड दिस गिव्स द यूज ऑफ यूज इम्पॉर्टेंस टू द कन्वेंशंस बेसिकली, बिकॉज पीपल्स कन्वेंशंस लाइक लॉज एंड देयर ब्रीच विल अल्टीमेट लीड टू ब्रीच ऑफ लॉ. सो बेसिकली दीज सोसाइटी, जो ब्रिटिश सोसाइटी है, ब्रिटिश पीपल्स हैं, दे अलाउ दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, दीज काइंड ऑफ कन्वेंशंस. नेक्स्ट यूटिलिटी क्या है इसकी? नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी. सो कन्वेंशंस मेक द एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक. यूके में अनरिटन मैक्सिम प्ले अ की रोल सिंस दे अप्लाई टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली. सो आप कह सकते हो कि मेन रोल इज टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज पावर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी. सो देर इज अ कन्वेंशन इन यूके दैट मोनार्क विल अपॉइंट द पर्सन हु इंजॉयज द कॉन्फिडेंस मेजोरिटी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. उसी को पीएम करेंगे ना, पीएम अपॉइंट करेगा मोनार्क. जैसे अभी रिसेंट में आपने देखा है, अब जैसे यूके का जो चल रहा है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, और जैसे पीएम इलेक्ट किए गए वहाँ की, तो आपने क्या देखा, मोनार्क ने किसे पीएम बनाया, जिन्होंने जिनकी मेजोरिटी रही है पार्लियामेंट में, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट में. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कन्वेंशंस हैं दे मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर डेमोक्रेटिक. सो दिस इज द मेजर सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट, एक्सरसाइज ऑफ पावर के रिगार्डिंग में इसकी सिग्निफिकेंस है. तो कन्वेंशंस हैव चेंज्ड अनलिमिटेड मोनार्की इंटू लिमिटेड मोनार्की. This is the major utility, the major significance of the convention in British constitution. कि जो unlimited monarchy थी, जो kingdom system था, उसको limited monarchy, constitutional monarchy में convert कर दिया. This is also a tradition, this is also a convention. So British convention basically regulate the relationship between monarch and British parliament and limits the power of मोनार्क. नेक्स्ट जो कन्वेंशंस हैं इनका नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, नेक्स्ट रोल क्या है, दे आर द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस. सो कन्वेंशनल अरेंजमेंट इन यूके हैव प्रोवाइडेड द बेसिस ऑफ गवर्नेंस फॉर सेवरल हंड्रेड ईयर्स. सो जो कन्वेंशंस वो फॉलो किए जाते हैं, ये गवर्नेंस के लिए रूट्स प्रोवाइड करते हैं, गवर्नेंस के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड्स करते हैं. दे बेसिकली प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंसेस, इस तरीके की चीज़ों को वहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट आपका जो सिग्निफिकेंस या रोल है कन्वेंशंस का, वो है दीज आर द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यू कैन से दैट कि ब्रिटेन में
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड दीज कन्वेंशंस आर द मेजर सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो गया कन्वेंशन का. नेक्स्ट क्या है, बेसिकली ये सेपरेशन ऑफ पावर है गाइस, इसको कर लेना सेपरेशन ऑफ पावर. यस, सो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस क्या है कन्वेंशन की, इट प्रोवाइड सेपरेशन ऑफ पावर. तो एन इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिटिश कन्वेंशन इज टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर. जब सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो हम जो अब्यूज ऑफ पावर है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर एमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. व्हाट आर दीज थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट? वन इज आपका एग्जीक्यूटिव, सेकेंड इज लेजिस्लेटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी. कैन यू टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स हु हैज गिवन दिस प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? आप मुझे स्कॉलर का नाम बताओ कमेंट करके कि जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है वो किसने दी है. आई होप कि आप मुझे आंसर करोगे इस क्वेश्चन को. तो जो कन्वेंशंस हैं ब्रिटिश, जो ब्रिटिश कन्वेंशंस हैं ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर को प्रोवाइड करते हैं. तो जो थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में काम करते हैं, एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करते हैं. तो इस तरीके से जो एब्यूज ऑफ पावर है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है. देयर आर प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस, इसीलिए हर ऑर्गन अपना जो रोल है वो अच्छे से प्ले करेगा, राइट? नेक्स्ट है सवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट. सो जो कन्वेंशन का नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रोल क्या है कि देयर इज अ सवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट. सो इन यूके कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्लियामेंट्री सवरेनिटी. आपको पता है कि यूके के पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो सवरेन है. वहाँ पर जो पार्लियामेंट जो बिल बनाएगी, लॉ लाएगी, रूल्स लाएगी, उसकी वैलिडिटी को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ना तो जुडिशरी भी नहीं कर सकती. जैसे इंडिया में क्या है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ना अंडर बेसिक डॉक्ट्राइन. तो इंडिया में क्या होता है, जो केशवानंद भारती केस के बाद आया, इंडिया में अगर पार्लियामेंट कोई लॉ लाती है तो हमारा जो जुडिशरी है वो अंडर जुडिशियल रिव्यू या अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक डॉक्ट्राइन उसकी लीगैलिटी को या कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी वैलिडिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी लॉ को. जैसे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था उसको जुडिशरी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन रेज किए और उस बिल को हटाना पड़ा. तो इस तरीके की चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं होती, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट सवरेन है. तो पार्लियामेंट लीगल को इलीगल बना सकती है, इलीगल को लीगल बना सकती है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा उस पर, राइट? सो दिस इज अ मेजर कन्वेंशंस. तो जो पार्लियामेंट की सवरेनिटी को मेंटेन रखने के लिए भी जो कन्वेंशंस है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप यहाँ से पढ़ सकते हो और डिटेल में इसे. नेक्स्ट, अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन. तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है इन कन्वेंशंस की, कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेटेड रखती है. तो कन्वेंशन हेल्प्स द यूके कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अपडेटेड. सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, फ्लेक्सिबिलिटी लाती है. जो कन्वेंशन है इनका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रोल क्या पढ़ा था, इट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अकॉर्डिंग टू नीड आप अपडेटेड कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो. तो जैसे जैसे कंडीशंस एंड सिचुएशन चेंज होती हैं, सरकमस्टेंसेस चेंज होती हैं, आप कन्वेंशंस को उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो. तो कन्वेंशन हेल्प्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम्स. जैसे फॉर एग्जांपल 21st सेंचुरी में कुछ दूसरी तरीके की नीड्स आई, ह्यूमन राइट्स, रिफ्यूजी हो गया, या साइबर क्राइम, टेररिज्म, साइबर अटैक्स, साइबर सिक्योरिटी को लेकर फॉर एग्जाम्पल कुछ चेंजेस करने. तो दिस कन्वेंशन हेल्प्स द यूके कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अपडेटेड टू कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग नीड्स. नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी ग्रोथ. और जब इस तरीके के अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कन्वेंशन यूके कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करने में हेल्प करेगा, तो क्या होगा, इवोल्यूशनरी ग्रोथ होगी कॉन्स्टिट्यूशन की. सो कन्वेंशंस आर नेचुरल
एंड एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल इवोल्यूशन। जैसे जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल इवोल्यूशन होगा उसी उसी तरीके से ये कन्वेंशंस भी ग्रो करेंगे और जो टाइम्स और नीड के अकॉर्डिंग अपनी रेलेवेंसी मेंटेन करेंगे। गेटिंग इट? सो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। सो द कन्वेंशंस आर असेंशियल फॉर ऑल मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी, मोनार्क, इन सबको मेंटेन करने में, फॉर्मुलेट करने में, बैलेंस करने में कन्वेंशंस की बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क। सो कन्वेंशंस गवर्न द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कन्वेंशन डिटरमाइंस द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज इम्पॉर्टेंट स्टडी बोथ लॉ एंड कन्वेंशन। दिस एलोन इनेबल्स to a student to explain the gap between the legal framework and actual working of the framework. So provide the legal framework for the working of the constitution. So these are the some major role जो हम कह सकते हैं कि जो conventions लाते हैं, convention का जो major role है British constitution में। फिर से अल्टीमेट वहीं पर चीज़ें आती हैं कि क्योंकि कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई रिटन सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस तरीके के जो कन्वेंशन है वो हेल्प करते हैं जो वहाँ का पॉलिटिकल ट्रेडिशन, सोशल ट्रेडिशन या पॉलिटिकल सिस्टम में कंटिन्यूटी लाने के लिए, और दूसरा उसको अकॉर्डिंग टू टाइम अपडेट होने के लिए बाई चेंजिंग द सिचुएशन। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, सरकमस्टेंसेस चेंज होते हैं, तो उनकी नीड को भी फुलफिल करने के लिए अपनी रेलेवेंसी मेंटेन करते हैं। तो ये कुछ मेजर रोल थे, मेजर इम्पोर्टेंस थे कि कैसे ब्रिटिश कन्वेंशंस का मेजर रोल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसे कंक्लूड अगर किया जाए तो कंक्लूजन अगर आपको लिखना है इसका, कन्वेंशन रोल ऑफ द कन्वेंशन इन यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन, तो अंडर द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस प्ले अ मेजर रोल बाय लिमिटिंग पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। क्योंकि यूके में आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो फंडामेंटल राइट्स कहीं लिखे तो है नहीं, और ना ही वहाँ पर कोई बिल ऑफ राइट्स जैसा कोई है जैसे यूएसए में है, ना फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि इंडिया में है, क्योंकि वहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो वहाँ के जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, ब्रिटिश पीपल हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट रखा जाए, इस इन सब चीज़ों में कन्वेंशंस का बहुत ह्यूज रोल हो जाता है। एंड टू इंश्योर द फंक्शनिंग ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। तो यूनाइटेड किंगडम की डेमोक्रेसी हेल्दी रहे, इट कीप फंक्शनिंग, इसके लिए कन्वेंशंस का मेजर रोल होता हो जाता है कि जो कन्वेंशन है इनको प्रॉपर फॉलो किया जाए, प्रॉपर इनकी प्रैक्टिस की जाए, नहीं तो ये उसी तरीके से हो जाएगा जैसे हमने ऊपर पगडंडी देखी थी ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये पगडंडी है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये मतलब एक उसी तरीके है कि कन्वेंशन लोग फॉलो कर रहे हैं इसी पगडंडी को, इसी ट्रेंड को। बट अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो ना करके आपने कोई दूसरा ऐसे ऐसे रास्ता लगा दिया तो पॉइंट बी तक हो सकता है आप पहुंच ना पाए, और हो सकता है पहुंचे तो बहुत ही स्ट्रगल के बाद पहुंचे। तो इस तरीके से क्या है, ये सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से यही सेम काम होता है कन्वेंशंस का कि ये एक तो पहली बात इनका ये जो पावर है लेजिस्लेचर की या मोनार्क की उसको लिमिट करते हैं, और इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल को। दूसरा इंश्योर करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द हेल्दी डेमोक्रेसी, राइट। गिवन द फैक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन यूके हैव प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंस, गुड गवर्नेंस के लिए बेसिस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा that drafting of the codified constitution entails immense complications, UK should retain its current system. However, there are two aspects that do require urgent consideration. First, kya hai? There should be greater check on the executive, that should be reassessed. And secondly, the content and significance of the constitution should be promoted to the public. राइट इस तरीके से आप देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड अल्टीमेटली रिफ्लेक्टिंग द एसेंस ऑफ
डेमोक्रेसी। तो ये हो गया इसका कंक्लूजन। तो रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिग्निफिकेंस ऑफ द कन्वेंशंस इन द यूनाइटेड किंगडम, ये हमारा आज का डिस्कशंस था, जिसमें हमने सबसे पहले समझने की कोशिश की कि कन्वेंशंस आखिरकार होते क्या हैं, इनकी कुछ हमने डेफिनेशंस भी ली थी, जैसे कि डायसी की, कि कन्वेंशंस क्या हैं, कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, मैक्सिम्स हैं, जो एक बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इनको फॉलो करती है। एंड क्यों फॉलो करती है, क्योंकि इनकी अपनी यूटिलिटी है। और रही बात फॉर्मेशन की, तो ये लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं, इनको कोई पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में बनाया नहीं गया है। तो ये क्या है, ये मेड नहीं है, दे आर जस्ट एक्सेप्टेड इन जनरल टर्म्स बेसिकली। और इनके पीछे जो सैंक्शन का काम करता है वो मोरल सैंक्शन, सोशल सैंक्शन का काम करते फोर्सेस काम करते हैं, इनके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। और फियर ऑफ मोरल एंड सोशल एलिनेशन है जो इनको फॉलो करने के लिए, ताकि जो सोसाइटी है, जो ब्रिटिश कम्युनिटी है, ब्रिटिश सोसाइटी है, वहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहे, इस तरीके के कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। और ये अपने आप में पब्लिक ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो जो सोसाइटल प्रेशर है, ये सबसे बड़ा इन्फोर्समेंट फोर्स होता है बिहाइंड द कन्वेंशंस। और इसके बाद से हमने जो इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं वो हमने देख ही लिया, बहुत सारे हमने इम्पॉर्टेंट जो मेजर कन्वेंशंस हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉलो किए जाते हैं, हमने वो देखे। और बाद में हमने देखा कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, कैसे ये पब्लिक ओपिनियन को इंक्लूड करते हैं, कैसे ये सोर्स बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कैसे ये कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी एंड जो प्रोग्रेसिव वे है वो लेकर आते हैं। ऐसे करके हमने इनके सिग्निफिकेंस देखे, कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं सोसाइटी में, राइट। तो इस तरह कैसे प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, कैसे गुड गवर्नेंस के लिए बेस बनाते हैं, कैसे अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हैं, कैसे क्राउन और एग्जीक्यूटिव को पावर को लिमिट करते हैं। तो ये इसके कुछ सिग्निफिकेंस थे। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस, जिसमें आपको अब कन्वेंशंस इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। बट स्टिल इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूज़न, लेट मी नो इन टू द कॉमेंट बॉक्स। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपके जो डाउट है, हो सकते हैं मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्स ना करूँ, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो बना रहे होंगे तो आपके जो डाउट अगर उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे तो हम उस पर इंक्लूड कर लेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे, राइट। तो आप ये मत सोचना कि आपके डाउट्स को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो नहीं दिया जाएगा, आपके डाउट का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। बट आप वेट करो कि उससे रिलेटेड कंटेंट जब बनाया जाएगा या उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनेगी, तो आपके डाउट को प्रॉपरली कंसीडर किया जाएगा वहाँ पर। सो कीप कमेंटिंग मी रिगार्डिंग योर डाउट्स, कीप कॉन्टैक्टिंग मी इन माई इंस्टाग्राम फॉर दी मोर अपडेट्स। एंड और फिर से मुझे, मैं एक चीज़ कहूँगी कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिसको मैं प्रायोरिटी के साथ उसको उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का वीडियो कैसे लगा। ये एक तरीके का फीडबैक का काम करता है गाइस, जो मुझे स्पेस देता है फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।